हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जूनियर भाई की पढ़ाई। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि आज हमारे साथ है एक सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ RIMC। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम सौम्य फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हेलो सौम्य। हेलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर। थैंक्स अ लॉट। ओके, सो कैन यू गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन फॉर ऑल आवर व्यूअर्स? या हेलो, आई एम सौम्या बिस्वास। आई एम फ्रॉम बसियार, नॉर्थ 24 परगनास, वेस्ट बंगाल। नाउ आई एम नॉट रीडिंग इन एनी स्कूल, बट टुमारो आई विल गो टू राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज टू जॉइन इट। ग्रेट। सो सौम्या, कैन यू टेल मी फ्रॉम वेयर डिड यू गेट टू नो अबाउट RIMC, सच अ प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन? When I was giving the admission of Sainik School, someone else came to me and gave a paper. There, okay. I see written on it, Rashtriya Indian Military College, Rashtriya Military School, and Sainik School Coaching. Okay. Then I went to home, and search about RIMC. And from the internet, I know a lot of things about RIMC. So, Soumya, before starting your RIMC preparation, what things were there in your mind? आपने क्या क्या सोचा था, किन किन चीजों को ध्यान में रखा था? मैंने सबसे पहले ध्यान रखा था मैथमेटिक्स पर, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट आता है, ये मैं जानता था। okay. और अगर इंग्लिश और GK में मैं थोड़ा सोचता हूँ तो मुझे लगता था कि मैं वो कर सकूंगा। सो मैंने मैथमेटिक्स पे ही ज्यादा ध्यान दिया। आपके अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट है? According to me, in our session of exam, the English was the toughest. Okay. So, Soumya, क्या आप बता सकते हैं कि किन किन बुक्स को हमें फॉलो करना चाहिए in order to crack RIMC? मुझे लगता है सबसे पहला जो बुक है वो RD शर्मा का क्लास 8 का बुक, और इसके बाद अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे तो हम बहुत सारे बुक्स देख सकेंगे, और अगर हम वो सब कवर कर ले तो मुझे लगता है RIMC में सिलेक्टेड होना बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो सौम्य, दैट वाज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी गिवन बाय यू। क्या आप बता सकते हैं कि इंग्लिश के लिए हमें क्या करना चाहिए? इंग्लिश के लिए हमें बेसिकली थोड़ा ग्रामर और राइटिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो दो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है। yeah. और जो सीन है ना, वो हम बुक जो नॉर्मल बुक पढ़ते हैं उसे पढ़ने से ही हो जाता है, इसीलिए मुझे लगता है ग्रामर और राइटिंग पे ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। सो हाउ यू हैव कवर योर GK पोर्शन? माय GK पोर्शन इज ऑब्वियसली बेस्ड ऑन माय पेरेंट्स, बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग एनी वर्क माय फादर एंड मदर केम टू मी एंड सेड दैट इज दैट एंड दिस कैपिटल इज दिस, दिस कंट्री ऑफ दिस कंट्री इज दिस। It means every time my parents was beside me and they said a lot of things about Indian defense, polity, world strategy, etc. So भी कोई aspirant exam देने जाता है तो उसके ऊपर बहुत pressure होता है, बहुत चीज का pressure। तो वो child, वो aspirant उस pressure को कैसे overcome करे? देखो, मुझे लगता है जब भी कोई institution में अंदर घुसता है उसे पूरा का पूरा टेंशन फ्री रहना चाहिए, क्योंकि जब वो टेंशन फ्री रहेगा तभी वो अपने सारे सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा और उसका एग्जाम अच्छा होगा। So, finally, और आई वोंट वांट टू से समथिंग फॉर द एस्पिरेंट्स। मेरी सजेशन है, आप लोग बहुत मेहनत कीजिए और सामने जो भी बुक है उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि GK और इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही टफ होता है और किसी को नहीं पता उसका क्या सिलेबस है। सो माय डीप रिगार्ड्स टू द एस्पिरेंट्स, प्लीज ट्राई हार्ड दैट यू कैन सिलेक्टेड फॉर RIMC। थैंक यू सौम्य फॉर द प्रीशियस एंड वेरी प्रीशियस सजेशन। मुझे आशा है कि सभी एस्पिरेंट ये फॉलो करेंगे, क्योंकि आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। और फाइनली मैं फिर से आपको थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक्स, यू आर मोस्ट वेलकम। जय हिंद, बाय। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू यू, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।